ना बहुत से लोगों ने पूछा था जब उन्हें पता चला आप शो में आ रही कि पता करें जी कि ये इन्होंने अब क्रिकेट छोड़ दिया, क्या करें। वेरी क्विकली बिफोर आई वाइंड अप, मैंने 2 साल पहले रिटायरमेंट ली थी क्रिकेट से। अभी आई विल बी गोइंग बैक ऑन द फील्ड आफ्टर 2 ईयर्स। दुबई में एक टूर्नामेंट हो रहा है फेब्रिक के नाम से, जिसकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी उसके अलावा आई एम डूइंग कॉमेंट्री। तो आप क्या ये जो दुबई में करने जा रहे हैं जल्दी से बताएं। ये बहुत ही जी ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट है फेब्रिक के नाम से, फेब्रिक इन्विटेशनल। उसमें ज़बरदस्त चीज़ ये 6 टीम्स हैं, उसमें से एक की मैं कप्तानी करूँगी और मेरी टीम में फिलीपीन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक की लड़कियाँ होंगी। तो 15 के स्क्वाड में तकरीबन 12 से 13 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होंगी और इसी तरह हर टीम की फॉर्मेशन यही है। सो वो बेसिकली मेंटोर का हम एक लेके जा रहे हैं तरीका कि 1, 2, 3, 4 प्लेयर्स एज मेंटोर्स होंगे हर टीम में और फिर एसोसिएट नेशन के प्लेयर्स जो दबे हुए मुल्क हैं जहाँ पे क्रिकेट अभी इतनी आम नहीं है, उनके साथ हम मिलके वो टीम बनाएंगे और फिर वो एक्सपोजर देंगे और उनके साथ मिलके खेलेंगे। तो ये कैप्टन कर रही हैं जी? मैं एक टीम की कैप्टन करूंगी और बिस्मा मारूफ भी अब एक टीम को हो सकता है लीड करें और पाकिस्तान से 5 खिलाड़ी जा रहे हैं। वैसे तो पीटीवी पे आप करती हैं कमेंट्री। सो सना सिखानी नहीं क्रिकेट खवातीन जो कहेंगी हमने सना मीर से सीखना है, तो सना मीर क्या कहेंगी अभी से? देखिए जी, फॉर मी एकेडमीज की ऑफर मुझे हुई है बट मेरे लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है और अगर तो मैं खुद अपना टाइम नहीं दे सकती किसी जगह को तो अपना नाम मैं नहीं देना चाहती। तो सिखाती मैं हूँ अभी भी सिखाती कहाँ सिखाती हूं? मतलब नॉट इन द टेक्निकल एस्पेक्ट, मेंटल साइड ऑफ द गेम आई एम रियली इन्वॉल्व्ड इन एज अ मेंटोर। मैं हांगकांग स्कॉटलैंड की लड़कियों को भी सेशन दी हैं, अपनी लड़कियों को तो 15 साल किया ही है उनके साथ। तो टेक्निकली जब आपने जाना है आपको एक ग्राउंड चाहिए, लड़कियों की फैसिलिटी सिक्योरिटी की जरूरी है, तो वो अभी मैं जितना ट्रैवल करती हूँ उसके साथ मैं खुद नहीं उठा सकती। ठीक, अच्छा, गुड गुड। एनीवे